चल गया ये साथ ये लिमिटिंग फैक्टर्स टॉपिक इंक्लूड है इसमें मैम लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यस नो मैम ये नहीं था अच्छा जी रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन के जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं रेस्पिरेशन में सारे स्टार्टिंग टॉपिक्स थे और वो नहीं थे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन नहीं था और आगे का कुछ भी नहीं था एरोबिक एनारोबिक तो है ना बस इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन नहीं है एक छोटा सा टॉपिक मिस किया हुआ है ना ये मिस किया हुआ है ना ये यस मैम दिस वन बाकी तो है ना पीछे से यस अब ऐसे ही होना चाहिए ये ना पेपर में ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन डाल दें तो बच्चे बैठे रहे ताहा भी प्रेजेंट है यस मैम चले स्टार्ट करते हैं रिवीजन आज हमने रेस्पिरेशन से स्टार्ट करनी थी या डार्क वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से करनी थी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से वाला लाइट डिपेंडेंट अच्छा इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क से हो गया मैम लाइट डिपेंडेंट तो हो गया था लाइट इंडिपेंडेंट से करनी हाँ जी इंडिपेंडेंट से जी मुझे भी यही लग रहा ये आपके ना प्रैक्टिकल्स हैं ये जब आप टेंथ में जाएंगे देन वी विल डू प्रैक्टिकल्स तो ये उनकी रिसर्च वर्क है सर ये वैसे शो क्या हो रहा है क्या नजर आ रहा है आपको क्या किया गया है क्या किया उन्होंने लीफ के साथ मैम स्टार्च टेस्ट हाँ स्टार्च टेस्ट उन्होंने किया और उसके लिए लीफ का देखिए नॉर्मल ऐसे होता है ना कलर येलो और ग्रीन स्टार्च को टेस्ट करने के लिए उन्होंने पहले इसको बहुत ज्यादा बॉयल किया फिर उसके ऊपर उन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो इसका कलर ऐसा हो गया एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट कलरलेस जहाँ जहाँ स्टार्च नहीं है ना वहाँ पे कलरलेस हो गया But they are included in your practical. Yeah.
यहाँ से दिस वन। चलें जी, कौन स्टार्ट करेगा? वी विल स्टार्ट डार्क रिएक्शन। ना मैं करता हूँ। चलें सर, आप स्टार्ट करो। टुमारो विल बी योर क्विज ना, टुमारो आपसे एमसीक्यूज टेस्ट, एमसीक्यूज टेस्ट होगा बेसिकली जी। And the details of dark reaction, Melvin Calvin ने discover की थी। मैम इसके अंदर ये होता है C3CO2 molecules combined with five carbon compound to form temporary six carbon compound. And then the temporary six carbon compound splits into two carbon compounds. Compounds are reduced to three carbon carbohydrates by using ATP and hydrogen for from NADPH. The three carbohydrates are used to manufacture glucose. The three carbon carbohydrates are also used to regenerate the original five carbon compound. Okay, name them. What is the name of five carbon compound? Ma'am, ribulose by ma'am. क्या था इसका? Ribulus biphosphate. Yes, ma'am. Ribulus biphosphate. And what is the name of three carbon compound which is produced by the breakdown of this temporary six carbon compound? Ma'am, इसका था phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde. ठीक हो गया। ATPs आपके बुक में ना जस्ट यहाँ पे उन्हें कंज्यूम होते हुए दिखाए हैं, जबकि इस तरफ भी यूज हो रहे होते हैं ना, यहाँ से ATPs जब कन्वर्ट हो रहे हैं ATP में, इस स्टेप पे भी ATPs का इस्तेमाल होता है। उन्होंने आप बहुत ही सिंपल आपका ये कैल्वन साइकिल इन्होंने दिखाया। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ? ओके आयान बेटा, what about chlorophyll A and accessory chlorophylls? Can you tell some information about chlorophyll and its pigments? कौन से chlorophyll हैं जो कि major photosynthesis का काम कर रहे होते हैं, जो इनके pigments को absorb कर रहे होते हैं light को? हेलो, आवाज आ रही है आपको आयान? यस मैम। आयान कैन यू हियर मी? क्लस्टर्स की फॉर्म में जी, इसे हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। और ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। अच्छा, ये पैराग्राफ आप देखो ना, इस पैराग्राफ से मैं क्वेश्चन दे रही थी आपको। क्लोरोफिल ए मेन होता है और बकाया जो होते हैं वो एसेसरी होते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, वजह क्या है? सारी लाइट क्लोरोफिल ए क्यों नहीं अब्सॉर्ब कर पा रहा? फोटोसिस्टम्स जिनको नाम दिया गया है, बेसिकली दो फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू। ये मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊँ ना तो आप यहाँ पर लिख भी लोगे। पिगमेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब करते हैं ना जी, बिल्कुल। आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर आना है फोटोसिस्टम टू, यहाँ पे फोटोसिस्टम टू काम करता है और यहाँ पर फोटोसिस्टम वन काम कर रहा होता है। ठीक है, दो अलग अलग दिखाए ना जी स्कीम में इन्होंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक में फोटोसिस्टम वन काम कर रहा होता है और एक में फोटोसिस्टम टू काम कर रहा होता है। और इसमें बिल्कुल बिल्कुल ठीक आयान ने बताया कि लाइट की ना डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो जो क्लोरोफिल है वो डिफरेंट वेवलेंथ, क्लोरोफिल ए इट अब्सॉर्ब्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। आई थिंक 680 नैनोमीटर की जो लाइट होती है ना वो ये अब्सॉर्ब करता है, और जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो 680 के अलावा जो कम वाली होती है ना वेवलेंथ उसकी लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन उनकी अब्सॉर्प्शन बहुत जरूरी होती है। एक्सेसरी पिगमेंट्स की अब्सॉर्प्शन के बगैर क्लोरोफिल ए अकेला काम नहीं कर सकता। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी,
लिमिटिंग फैक्टर्स जब आपने कहा कि ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम योर चैप्टर, वैसे आपको लिमिटिंग फैक्टर से आइडिया क्या होता है, क्या हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर का मतलब? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या हो सकता है? जस्ट आप व्हाट योर आइडिया मैम, जो मेटाबॉलिक रेट को काम करती है वन बाय वन स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक रेट को फोटोसिंथेसिस पे कौन कौन से वैसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, पहले आप उनके नाम बताइए आयान, उनके पहले नाम बताइए, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या हो सकते हैं? मैम लाइट प्रेशर करते और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन करती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, लाइट है, ठीक है ना, टेम्परेचर है, ये सब चीजें जो है फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रही हैं। अब इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम होना शुरू हो जाए, मतलब वो पूरा ना अगर हो रहा हो, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट हो रही हो, प्रॉपर काम ना कर रही हो, तो वो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। वो डिपेंड करता है, वो लाइट भी हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर, या फिर वो टेम्परेचर भी हो सकता है, या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। बाकी सारे फैक्टर्स अगर पूरे मिल रहे हैं तो एक अंदर से अगर पूरा नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है। दीज आर द, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स आप गुजरे हैं ना, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर को वेरीफाई करने के लिए, कभी कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं, कभी लाइट को, जिससे वो। चलें जी आगे चलते हैं। आमना नहीं, आमना बेटा आप क्लास, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आमना बेटा रिवीजन चल रही है, आप जरा ध्यान से सुने कॉन्सेप्ट्स जो बॉयज बता रहे हैं वन बाय वन, फिर आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है जी। जी ताहा, what is the difference in cellular respiration and the simple one respiration, what is the difference? Ma'am, the difference in cellular respiration and simple routine mein hum bolte hain what is respiration, to in dono mein kya difference ho sakta hai? मैम जब वो एक फ्यूल बर्न होता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, ठीक है, और एनर्जी यानी वो एनर्जी बनाता है लाइट या हीट की फॉर्म में, तो कहाँ से एनर्जी बनाता है, कहाँ से एनर्जी बनाता है, क्या चीज ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है? मैम अब जैसे प्लांट्स के अंदर देखिए, आई एम पॉइंटिंग दिस, ग्लूकोज, सी द स्क्रीन, आई एम पॉइंटिंग दिस, यस, ग्लूकोज पे कौन से बॉन्ड्स होते हैं? मैम CH बॉन्ड्स, यस, आपको नाम लेना पड़ेगा व्हेन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन्स दिस CH बॉन्ड्स, ठीक है, इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा सारा, ठीक है। और मैम ये इसी तरह ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को CH बॉन्ड्स के ब्रेकडाउन में, ठीक है, जो जो CH बॉन्ड्स उनके फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल में जो वो फूड होता है तो उसके जो CH बॉन्ड्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन के लिए वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और इसे ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी में ट्रांसफॉर्म की जाती है, और इस प्रोसेस के दौरान जो वो फूड के CH बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से वो ब्रेक किए जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं, तो H2O और CO2 प्रोड्यूस होता है, और जो ये एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। बिल्कुल, ये सेल लेवल पे बात कर रहे हो ना आप सारी कि उसमें CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, व्हिच इज एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ सेल, इसलिए दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है अमना, कैन यू रिपीट दिस, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? एनर्जी प्रोसेस
इसमें जो CH बॉन्ड है वो ब्रोकन हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्शन। और कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन सी ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन कर रही है इस CH बॉन्ड को? मिस इट ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना ग्लूकोज की या CH बॉन्ड की ऑक्सीडेशन होगी ना, जिसके रिजल्ट में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस? जी साथ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस? नेम टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेम देम। नेम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस while oxygen is reduced into water, और respiration के result में ये दो products बनेंगे, ठीक है। ताहा ने बताया भी था कि carbon dioxide gas release होगी body से, क्योंकि जब आप देखो आप सांस बाहर निकालते हो ये gas निकालते हो भाई, plus water produce होगा, ठीक है जी साथ। Differentiate between aerobic respiration and anaerobic respiration. I'm in aerobic respiration is done in the presence of aerobic respiration is done in the presence of oxygen and aerobic respiration complete oxidation of glucose occurs with maximum release of energy, while in anaerobic respiration is also called fermentation. In anaerobic respiration there is no intake of oxygen, it is in the absence of oxygen and glucose is also not साथ aerobic respiration। एक difference तो आपने बता दिया कि oxygen की presence में breakdown होती है glucose की, ठीक है ना, maximum energy। साथ ही इसके products भी तो बता दो ना कि breakdown हो रही है अगर glucose, जी दोनों difference बताए ना मैं। एक molecule glucose में 6C broken होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसके अंदर ग्लूकोज, और इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और मैम इसका फर्स्ट फेज तो बिल्कुल aerobic respiration की तरह same है। जी ठीक है। और मैम second phase में एक glucose का molecule broke down होता है two molecule के pyruvic acid में। वो तो aerobic में हो रहा था। और anaerobic में क्या होगा? मैम anaerobic के भी first phase में यही होता है। ठीक है, फिर difference कहाँ से आ गया? मैम second phase में जो pyruvic acid होता है वो completely oxidize नहीं होता है, नहीं होता। और मैम वो ethyl alcohol और lactic acid में क्या कहते हैं transform हो जाता है, ethyl alcohol and lactic acid, ठीक है। ठीक है जी आमना, ये दोनों equations आपके सामने नजर आ रही हैं आपको, इनको जरा बता दीजिए जो साथ में भी आपको theory की form में बताई। क्या मैं जी बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? सिंपल पहले मेजर डिफरेंस बता दें दोनों में, डिफरेंस क्या है? मींस एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, शाबाश, मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। और इसके फर्स्ट फेज में मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज के होते हैं वो 6C ब्रोकन डाउन होते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स वो पाइरूविक एसिड के, थ्री टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड पाइरूविक एसिड, ठीक हो गया। एरोबिक ठीक है, ये हो गया। अब एनएरोबिक पे आ जाइए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती और ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और लेस अमाउंट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की वजह से तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है पाइरूविक एसिड में। फेलियर फेज तो दोनों का सेम ही जाएगा। आगे
नेक्स्ट फेज में क्या होगा पायरुविक एसिड के साथ? सेकंड फेज में जी, सेकंड फेज इस पायरुविक एसिड जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा और विल कन्वर्ट इनटू मिथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. मिथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. ओके आयान, कभी आप तेजी से स्टेयर्स चढ़ते हो भागकर, व्हाट हैपन इन योर लेग्स? पेन होती है. क्या होती है? तेजी से स्टेयर्स आप चढ़ते हो या भागते हो? यस मैम, एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है. अच्छा, फिर उसके रिजल्ट में क्यों हमें मतलब लेग्स में फैटीग क्यों फील होती है? क्यों वी फील, व्हाई वी फील फैटीग एंड पेन इन आवर लेग्स मसल्स? मैम क्योंकि जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है ना, एक तो वो जो एनर्जी लेता है वो एनर्जी बहुत कम होती है, और जो वो एनर्जी लेते हैं ना फर्मेंटेशन से लेते हैं, इस वजह से वो बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है. नहीं, फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं यान. ताहा आप एक्सप्लेन करोगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात है यहाँ पे. ताहा कैन यू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन व्हेन वी रन लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है? जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो तेजी से भाग कर, उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं इनहेल कर पा रहे आप. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पाइरुविक एसिड वो इनकम्प्लीट उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है लेग्स में. और दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से वी फील फटीग इन योर लेग्स. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन योर मसल्स. पाइरुविक एसिड इज नॉट टोटली ऑक्सीडाइज, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा होता है? लैक्टिक एसिड में. ठीक है, पेन क्यों होती है? हमारे मसल्स में क्या चीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है? लैक्टिक एसिड. इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे जो मसल्स हैं वो क्रैम्प पड़ जाते हैं उनमें, एंड वी फील पेन. ठीक है, चलो जी सब्जी पका लो सुबह सुबह. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये भी क्वेश्चन आता होता है, व्हाई यू फील पेन इन योर लेग्स व्हेन यू फास्ट रन फास्टली और यू स्टेप अप द स्टेयर्स? इम्पोर्टेंस ये साथ ये नहीं है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन? नो मैम. क्रॉस स्टूडेंट्स इसको क्रॉस कर लें, दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस ईयर. चले जी आगे आ जाए. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जी, ये भी नहीं है. फिर जैसे टेबल है? नो मैम, टेबल भी नहीं है. नहीं बेटा, ठहर जाए जरा. ये कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चेक करें सब बच्चे, जरा चेक करें आपके पास है ना ALP. मैम टेबल 7.2 आ रहे हैं. 7.2 रेस्पिरेशन का स्टार्टर है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन तक ही है टॉपिक्स में. तो ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल कंफर्म. मेरे पास सिस्टम ठहर है, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ. मैं वैसे मैंने ना निशान तो मार्क किए हैं सारे, इस पे मैंने इसको क्रॉस नहीं किया. मैं आपको बताता हूँ, मैं खोला है वो स्टूडेंट्स, मैंने इन बुक में सारे मार्क कर लिए हैं, मैंने इस पे क्रॉस नहीं किया हुआ. अच्छा नहीं, ये इस पर टेबल आ रहा है 7.1, ये वाला इंक्लूडेड है? यस मैम, 7.2 एंड 7.2 ये भी इंक्लूडेड है, ये दोनों टेबल? यस मैम. अच्छा जी, साथ देख लिया आपने, ये टॉपिक है कि नहीं? यस मैम, नहीं है, ये टेबल ही है ये दोनों आगे बस. चलिए फिर टेबल को डिस्कस करते हैं. बुक में पता नहीं टेबल बने हुए हैं कि नहीं. नहीं, बुक में ये हैं टेबल्स. ठीक है, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं. ओके मैम. ओहो
चलें जी, यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो अब इसमें तीन इन्होंने वो बनाए हुए हैं कॉलम्स, फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इट्स मेटाबॉलिज्म की, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोसिंथेसिस में जो हो रहा है और रेस्पिरेशन में कौन सा हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में कौन सा करेक्शन हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो रहा है मेटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म हो रहा है और रेस्पिरेशन में हो रहा है कैटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज प्रोसीजर्स, व्हाट इज एनाबॉलिज्म, कहा बताएंगे, ये हम सिक्स चैप्टर में एंजाइम्स वाले में कर चुके हुए हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके आगे से टू ब्रांचेस हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। जी ताहा, मेटाबॉलिज्म वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो मैम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं एक्चुअली लाइफ करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। और नाउ की दो टाइप एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म वो लाइक बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म वो वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। यहाँ से एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, सो इट इज नोन एज एनाबॉलिज्म, इसमें सिंथेसिस हो रही है लार्जर मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पर जो सिंथेसाइज हो चुके हैं उनकी ब्रेकडाउन होकर दोबारा से उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया इन दोनों में, क्लियर है आमना ये डिफरेंस दोनों का आपको, यस आमना जी। फर्स्ट डिफरेंस क्या है मेटाबॉलिज्म का, कि फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म होगी जबकि रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म होगी। जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड क्या डिफरेंस है दोनों में। जी साथ एनर्जी में बताएं, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एनर्जी इनपुट होगी कि आउटपुट होगी, बताइए। मैम एनर्जी इनपुट होगी, इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जी तो एनर्जी इसमें इनपुट होगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और मैम उसके अंदर हमें एनर्जी मिलती है, बिल्कुल, ये आउटपुट है एनर्जी का, इसमें एनर्जी बॉन्ड्स जो हैं जो कि यहाँ स्टोर हो गए थे इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी एनर्जी में स्टोर होते हैं, केमिकल और सॉरी काइनेटिक और पोटेंशियल फॉर्म में बॉन्ड एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी में बॉन्ड्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे एंड द सेम बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन और फिर एटीपी रिलीज होगी। जी आयान, यू गॉट दिस पॉइंट, Yes, ma'am. क्या बताया साहब ने, बताइए एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द डिफरेंस इन फोटोसिंथेसिस एंड इन रेस्पिरेशन। मैम फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर वो स्टोर होती है बॉन्ड एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वही बॉन्ड एनर्जी केमिकल एनर्जी में बन जाती है एटीपी के रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, किन ऑर्गेनिज्म में ये होगी और किन में मतलब नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है, सम बैक्टीरिया, ऑल एल्जी एंड ऑल प्लांट्स, ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होगा, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स में होगी, इसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस आ गया फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन सब में हो रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस सब में नहीं हो रही, इसमें एनिमल्स को एक्सक्लूड किया गया है। क्लियर हो गया ये पॉइंट आमना, ये वाला भी, इट्स वेरी सिंपल। साइट ऑफ अक्रेंस, साइट ऑफ अक्रेंस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, आमना पढ़ लीजिए इसको, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, क्लोरोप्लास्ट, जी क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है, सेल के, प्लांट सेल के कौन से plants. और कौन से ऑर्गेनेली में होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो पता है ना एक पिगमेंट है, तो ये कौन से ऑर्गेनेली में पाया जाता है,
इज प्लास्टर. वेरी गुड, प्लास्टर्स में पाया जाता है. जबकि ये तो बात होगी इसकी फोटोसिंथेसिस की. रेस्पिरेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं. सो रेस्पिरेशन अकर इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया. टाइम ऑफ अकरेंस कब कब होती है फोटोसिंथेसिस? In daytime only, yes. In the presence of light. रात में moon light में बहुत हल्के level पे हो रही होती है, बहुत ही minor, countable ना हो. जबकि जो respiration है वो all the time चलती रहती है. ठीक है, तो these are the four differences. 1, 2, 3, 4, 5 differences हैं जी इसके. इसको आप as a मतलब पता नहीं है वो इसको किस तरीके से देते हैं, ऐसे लॉन्ग देते हैं टेबल या ऐसे शॉर्ट देते हैं. सो यू ऑल हैव टू लर्न इट. डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा जी, इसमें क्या दिया गया है साद? अब इसको देखें, इसमें जरा आप हमें पढ़ा दें. हाँ, पढ़ तो चुके हैं ना सब कुछ पीछे से. कैन यू टीच अस दिस टेबल मैम? इसके अंदर वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस बता रहे हैं मैम. वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है और एनारोबिक में नहीं होती है. और मैम एरोबिक रेस्पिरेशन में वो बता रहे हैं कि 36 ATP आपके प्रोडक्ट होते हैं एनर्जी के, और एनारोबिक में खाली 2 होते हैं. कितना डिफरेंस है दोनों में? एरोबिक रेस्पिरेशन में मैम, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट CO2 और H2O होता है, और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और CO2 होता है. और इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक ही बात है स्टूडेंट्स. इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एक ही बात है, ठीक है? बोथ आर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स. जी आगे चलें. साइट ऑफ अकरेंस मैम, मैम ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये एक ही जगह पे नहीं होती है. इन इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है मैम. और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है, और मैम एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे लिए मेजर सोर्स है एनर्जी का, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहिए होती है तब जब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ना हो जितनी हमारी बॉडी को चाहिए हो. उस वक्त हो रही होती है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तो ये तब भी चल रही होती है ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें ये हो रही होती है नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो वो एनारोबिक के साथ भी चला रहे होते हैं अपना काम. हमारी बॉडी में भी होती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो तब हम एरोबिक से एनारोबिक पे शिफ्ट हो जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस ये MCQs में आ जाता होता है अकरेंस. तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, एंड क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? ये याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा जस्ट लाइक एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये दोनों होंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल के अंदर, ठीक है? तो दिस इज द डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा जी, बुक के जो MCQs है वो हमने किए हुए इस चैप्टर के स्टूडेंट्स. जरा ओपन करें बुक MCQs. जी ताहा, फर्स्ट वन रीड करें, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है. इन विच पेज नंबर 136 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड? ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, या ऑल ऑफ दीस आंसर है स्टूडेंट्स. जरा इसको कंफर्म करें. The following step of respiration, carbon dioxide किस पे प्रोड्यूस हो रही है? मैम ये 137 पेज पे है ना? जी 137 पेज. मैम उन्होंने तो मार्क कमाए हुए हैं. 349 है. क्या कह रहे हैं ता आया ना बेटा? MCQ number 3, MCQ number 4 और MCQ number 9 है.
बट अब इतना सिलेक्टिव होके मेरा नहीं ख्याल, हमें 5-6 तो हैं, 10 तो हैं टोटल, कर लें ये ना उस वक्त पेपर में, वो तो कर लेते हैं। हाँ पता नहीं पेपर में कहाँ से अंदर अंदर से निकाल दें और बैठे हो आप लोग, एमसीक्यूज तो सारे सॉल्व करने होते हैं ना जितने भी आने होते हैं, चल उसमें तो कोई चॉइस नहीं होती, आप बस बिल्कुल 2-3 एमसीक्यूज ही करोगे इसके, तो वो जो की बुक्स में इतने इतने बने होते हैं 100+ एमसीक्यूज दिए होते हैं की बुक वालों ने, तो वो क्यों दिए होते हैं, ताकि बच्चे को कहीं से भी अगर आ जाए एमसीक्यू तो वो अटेम्प्ट कर सके। मैम वो तो सारे आते हैं, वो तो सारे कर ले, मैं वैसे क्या बता रहा था। नहीं मैं वैसे आपसे हाँ बात कर रही हूँ कि इतना सिलेक्टिव एमसीक्यूज में ना हो, एमसीक्यूज में चॉइस भी नहीं होती पेपर में, तो अच्छा है आपका नॉलेज ही बढ़ेगा ना, मतलब आपको एमसीक्यूज अंदर से भी आते हैं चैप्टर के, ये ना उस वक्त फिर इतना सिलेक्टिव पढ़े हैं बाद में पता चले कि एमसीक्यूज में मार्क्स आ गए, एमसीक्यूज आपके पूरे पूरे ठीक होने चाहिए पेपर में, उसमें कोई चांस नहीं है मार्क्स लूज करने का, ठीक है। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स ये मतलब हमें एमसीक्यूज तो पूरे ही कर लें, इसमें कोई वो बात नहीं। चलिए फर्स्ट वन बताइए, फर्स्ट वन का ताहा ने क्या आंसर दिया था, ऑल ऑफ दिस कहा था। यस मैम। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा दिस इज राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से स्टेप में प्रोड्यूस हो रही है ये उन्होंने आपसे पूछा है, जस्ट लेट मी चेक, कार्बन डाइऑक्साइड सब में तो नहीं प्रोड्यूस हो रही ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो नहीं हो रही प्रोड्यूस, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल है, आप ये इसका मैकेनिज्म देखिए पीछे जो टेबल बना हुआ है, तो क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में हो रही है और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रही है, तो बी इज द राइट आंसर। हैव यू मार्क्ड ऑल ऑफ यू? जी सेकंड वन देखें, ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में कब हिस्सा लेती है, कौन से स्टेप में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं क्या है ऑप्शंस क्या क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक स्टेप्स बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल मुझे लग रहा है, इसका पीछे से स्टेप देखना पड़ेगा, जस्ट वेट, इसके मैकेनिज्म पर आइए ना, मैकेनिज्म पर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है उसमें, तो दोनों जो इनके है ना कोएंजाइम्स वो हेल्प कर रहे हैं इसको करने में, ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं, जस्ट वेट, एरोबिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंड वन क्रेब्स साइकिल आएगा स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल इज द राइट आंसर। थर्ड वन है ना क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, उसको करें आप, इसका आंसर क्रेब्स साइकिल है। साथ आप क्या कहते हो, क्या आंसर होगा इसका ठीक वाला, क्रेब साइकिल इज राइट, क्रेब साइकिल ही होगा, जी जी क्रेब साइकिल ही है, क्रेब साइकिल आपका मैकेनिज्म में पढ़ो ना लाइंस, तो उसमें क्रेब साइकिल में यूज हो रही है ऑक्सीजन, जो उन्होंने कहा ना एक्सक्लूड कर देते हैं हम उसमें से बस पार्ट, आयान जरा बताएं कौन कौन से उन्होंने इस दफा काय के हम बुक में से इंक्लूडेड है, थर्ड वन और फोर्थ एंड नाइन, बस दो दिए गए हैं ये तीन, और कौन सा, थ्री फोर नाइन, थर्ड फोर्थ एंड नाइन, यस मैम। चलिए थर्ड रीड करें, व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मेनी डेज इट लीव्स टर्न्स येलो, डी डी
leaves could not get light, and so there was no respiration. D बता रहे हो कि D बता रहे हो? Last D ma'am D. हाँ, leaves could not get light, and so there was no photosynthesis. Yes, this is the right. D is the right answer. Due to absence, photosynthesis नहीं होगी तो वो yellow होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. D is the right one. ये तो आसान सा, ये number 4. ताहा आप बता दीजिए, फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन. एनर्जी के अंदर कौन से, सॉरी, एटीपी में कौन से बॉन्ड्स हैं जहां से एनर्जी निकल रही होती है? सीएच बॉन्ड्स. ओ माय गॉड, सीएच बॉन्ड आएगा? बल्कि पीपी बॉन्ड्स जी. इसके जो फॉस्फेट बॉन्ड्स है वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है. सीएच क्यों बोले आप? फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है एटीपी का, उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो वाला शुगर्स वाला, वो तो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, ब्रेक डाउन फॉस्फेट बॉन्ड्स हो रहे होते हैं. क्यों स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हैं? यस मैम. हाँ जी, पीपी बॉन्ड इज द आंसर. जी आमना, फिफ्थ आप पढ़े जरा. इन व्हिच कंपोनेंट ऑफ द लीफ सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. बहुत आसान है, क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? स्ट्रोमा में, या थायलाकॉइड्स में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या साइटोप्लाज्म में? पहली दो ऑप्शंस पे जरा गौर करें, उनमें से एक आंसर है इसका. जी बॉयज, में आप में से कोई आंसर दे सकता है इसका? थायलाकॉइड में. यस, थायलाकॉइड इज द आंसर. साथ यही आंसर है आयान. यस मैम. आज ये सब्जी वाला कुछ पता नहीं क्या छोड़ डाला हुआ इसने, जा ही नहीं रहा यहाँ से. जी नंबर 6 पढ़िए. कौन पढ़ेगा नंबर 6? Which of these can enter into Krebs cycle? Glucose, pyruvic acid, citric acid, acetyl COA. कौन सा आएगा? B, carry out anaerobic respiration and so accumulate more CO, carbon dioxide. C, carry out anaerobic respiration and so accumulate more lactic acid. D, carry out aerobic respiration and so accumulate more lactic acid. The answer is C. Carry out anaerobic respiration and so accumulate more lactic acid. Yes, C is the answer. अच्छा जी, नंबर 8. ताहा रीड नंबर 8. How many molecules of CO2 are produced when the Krebs cycle operates once? Yes, how many molecules of carbon dioxide breaks? इसका आंसर बताइए. One, two, three, six. ये पीछे मैकेनिज्म पे जाएं तो फिर हमें पता चलेगा. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल? यहाँ पे तो उन्होंने सिंगल दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का क्रेब्स साइकिल में. वन इज द आंसर. पीछे मैकेनिज्म में इन्होंने वन दिखाया हुआ है, चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यस मैम. One is the answer. चले आगे चले. 9. ये आप कह रहे